तो आपको तो पता है कि उल्का जो आसमान से आता है, मतलब आसमान पे आकर से धरती पे टकराता है, आपने देखा है काफी सारे मूवीज में और काफी बार सुना भी है कि 2012 में ऐसे उल्का आएगा और धरती पे टकराएगा और धरती जो है तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ सुना है। बट क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा उल्का जो है आके एक बार टकराया था, उसका नाम है होबा मीटियोर। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है होबा और वो जो है दुनिया का लार्जेस्ट जो है सिंगल मीटियोर है। मतलब देखो कि जब भी जो आसमान से ऐसे उल्का वगैरह आता है ना, तो उसके साथ जो है दोस्तों और भी छोटे छोटे पत्थर, एक बड़ा पत्थर होता है या फिर जो है काफी सारे बड़े छोटे पत्थर जो है एक साथ आगे धरती पे टकराते। बट ये जो होबा मीटियोर है ना दोस्तों, ये जो है एक सिंगल ही जो है उल्का था, मतलब एक बड़ा सा आग का गोला था जो एक सिंगल था, एक ही पीस में था, एक ही टुकड़े में था और वो जो है अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है इस दुनिया में। जो उल्का आके इस दुनिया में टकराया, मीटियोर आके टकराया, तो ये होबा ही जो उसमें सबसे बड़ा है। और उसका वेट कितना है पता है, वो सिंगल रॉक का जो आग का गोला है उसका वेट कितना था और वो कितना है अभी आप फोटो में देख सकते हो। तो इसका जो वेट है 54,000 kg। जी हाँ दोस्तों, 54,000 kg है, मतलब 54 टन जो है इसका जो है वेट है, मतलब 54,000 kg का जो है ये होबा मीटियोर है इसका वेट है ना। अमेजिंग की कितना, देखो मतलब कितना वजनदार होगा अगर इतना, मतलब तेजी से आके पृथ्वी पे टकराया होगा ये, आपसे आज नहीं काफी हजार साल पहले आके टकराया। तो सोच के देखो, डायनासोर ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, इतना भारी भरकम चीज आके जो है टकराया था पृथ्वी पे। गैलीलियो जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत ही जो है प्रसिद्ध इंसान थे एंशियंट टाइम में, हिस्ट्री में, तो आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा, आपने जो है सोशल स्टडी वगैरह में की गैलीलियो कितना बड़ा था, या फिर जो साइंस वगैरह में आपने इनका नाम सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो किताब में भी काफी बार पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा तो गूगल करके देख लेना। तो क्या पता, ये गैलीलियो जो था हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट और जो था आप सोशलिस्ट भी मान सकते हो। तो ये गैलीलियो जब मर गया था ना, तब उसका जो है मिडिल फिंगर, जी हाँ दोस्तों, उनके हाथ का जो मध्य उंगली है, मतलब मिडिल फिंगर है, उनको जो है अभी तक जो है एक म्यूजियम में सेव करके रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो का जो मिडिल फिंगर है उनको जो है इटली के फ्लोरेंस के जो गैलीलियो म्यूजियम है उनमें जो है उस म्यूजियम पे जो है इस गैलीलियो का जो मिडिल फिंगर है उनको जो है सेव करके रखा गया है। भाई सोच के देखो, एक एंशियंट टाइम का एक प्रसिद्ध इंसान है, फेमस इंसान है, उनका मिडिल फिंगर रखा है। भाई कोई दूसरा उंगली नहीं मिला क्या उनको कि जो है एक मिडिल फिंगर ही जो है रखा है, अभी भी म्यूजियम में है, इटली के फ्लोरेंस में है। ये जो आप लेक देख रहे हो, मतलब तालाब देख रहे हो, जी हाँ दोस्तों, ये जो आप तीन तालाब देख रहे हो ना, तीनों का जो है पानी देख सकते हो अलग अलग कलर का है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों का पानी अलग अलग कलर का है। ये लेक कहाँ पे है पता है, एक पहाड़ के ऊपर, एक माउंटेन के ऊपर है, और माउंटेन जो है माउंट किलिमिटो है। जी दोस्तों, उस पर पहाड़ का नाम है माउंट किलिमिटो और उस पहाड़ के ऊपर ये लेक है, और इसको जो है ट्राई कलर्ड लेक भी बुलाया जाता है या फिर क्रिएचर बुलाया जाता है। बट क्या आपको पता है, इसका पानी जो है ना, ये तीनों लेक जो है आपस में जो है एक दूसरे के साइड में है, साइड बाई साइड है, बट ये तीनों लेक का पानी जो है कलर जो है उसका पानी का रंग जो है वो जो है डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। अब देख सकते हो, एक में दूसरा कलर, एक में ब्लैक, एक में हरा, एक में रेड है। और क्या आपको पता है, इस लेक का जो पानी है वो ऑटोमेटिकली जो है टाइम टू टाइम जो है कलर चेंज करता रहता है। ये नेचर का जो है बहुत एक अमेजिंग क्रिएशन है। देखो कि ये देखो कि ये जो लेक है खुद ब खुद अपने पानी का रंग चेंज करता है। इससे पहले आपने कभी सुना था कि कोई तालाब जो है उसके पानी जो है खुद ब खुद रंग चेंज करता है और वो जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो चेंज होता रहता है? भाई मतलब अमेजिंग सा लेक है। आपका क्या ख्याल इस लेक के बारे में कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइए। तो आपने तो स्काई डाइविंग वगैरह देखा ही होगा, जो प्लेन से जो है काफी सारे लोग जो है कूदते हैं पैराशूट लेके, और जो है काफी अलग अलग तरीके के जो है करतब दिखाते हैं और कला दिखाते हैं आसमान में, हवा में, हवा के ऊपर। आपने देखा ही होगा पैराशूट से जो अलग अलग तरीके के जो है करतूते दिखाते हैं वो लोग, और काफी जो है मतलब डेयरिंग सा खेल है ये। तो इसी स्काई डाइविंग का एक जो है खेल है, उसको बोलते हैं बेंजाई स्काई डाइविंग। जी है दोस्तों, बेंजाई स्काई डाइविंग बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा मतलब काफी डेंजरस है और काफी हटके है, कि इसमें जो पैराशूटर्स है जो जंप करते हैं ना पैराशूट लेके, उनको पहले जो है अपने पीच में जो बंधे हुए पैराशूट है उनको पहले फेंकना पड़ता है पैराशूट को, और उसके बाद उनको जंप करना पड़ता है। भाई सोच के देखो कितना डेंजरस होगा, अगर वो पैराशूट को सही टाइम पकड़ नहीं पाता है ना दोस्तों, तो उसकी जो है डेथ भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है। पर देखो कि ये जो है बेंजाई स्काई डाइविंग जो है ये लोग करते हो, और ये जो आप देख सकते हो ऐसे कुछ राउंड फॉर्म में आके जो है ये लोग सब एक दूसरे जो है ये सब लोग जो है पहले पैराशूट को फेंकते हैं, और उसके बाद जो सब लोग कूदते हैं, उसके बाद जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद पैराशूट पकड़ते हैं, उसको पहनते हैं, उसके बाद पैराशूट खोलते हैं। तो कितना डेंजरस है ये बेंजाई स्काई डाइविंग, और ये जो है एक मतलब दुनिया का सबसे डेडलीस्ट खेल में
से जो है एक माना जाता है, इस बेंजा स्काई डाइविंग को। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अगर आपका मन चाहा। अगर वीडियो बुरा लगा तो डिसलाइक मारो, और कहाँ पे बुरा लगा वो बताओ, हमसे क्या चूक हुई वो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।